दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज लांबा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने इस हफ्ता के बिजनेस, फाइनेंशियल और टैक्स अपडेट के साथ। इस हफ्ता के 10 बड़े अपडेट्स के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अभी एक घोषणा की आत्मनिर्भर भारत का ऐलान करते हुए, जो 20 लाख करोड़ रुपए के आत्म भारत निर्भर पैकेज का ऐलान किया गया था, तो उसमें एक घोषणा की गई थी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड के अंतर्गत फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को एक साल तक स्थगित किया जाएगा। तो सरकार ने उसे जामा पहनाते हुए ये घोषणा की है कि नई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जो इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्सी एक्ट के अंतर्गत इनिशिएट होनी थी, उसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और कोई भी नई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अब अगले एक वर्ष तक स्टार्ट नहीं होगी। अगर कोई क्रेडिटर या कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए केस फाइल करना चाहती है या कंप्लेंट फाइल करना चाहती है, तो उसे कंपनीज एक्ट 2013 के अन्य प्रावधानों का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी खबर, कर्नाटका गवर्नमेंट बैन्स द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम LKG टू 5th क्लास एंड वांस द स्कूल अगेंस्ट प्राइस हाइकिंग। जी हाँ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस पे बैन लगा दिया है क्लास LKG से लेके 5th क्लास तक, और स्कूल को वार्न किया है कि वो COVID-19 के चलते फीसों को अधिक ना बढ़ाएं। तीसरी बड़ी खबर, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने एक क्लैरिफिकेशन देते हुए ये क्लियर किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ GST। काफ़ी समय से ये विवाद चल रहा था कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे GST लगता है या डायरेक्टर रेमुनरेशन GST के दायरे में आती है। तो CBIC को इसे क्लैरिफाई करते हुए ये कहा है कि अगर आप डायरेक्टर रेमुनरेशन रिसीव कर रहे हैं एज ए होल टाइम डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर, then you are treated as a employee of the company, then you are not liable to pay any GST. But if you are rendering your services to the company in the capacity of independent director, then definitely you are providing technical and professional services to the company, then definitely you will covered under the provisions of GST, and independent directors are now liable to pay GST on their receipts. Ek aur badi khabar ye aa rahi hai कि नीरव मोदी के ऊपर PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत एक ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, जिसमें उसकी 13,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का ऑर्डर पास कर दिया गया है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नीरव मोदी जी काफ़ी समय से भारत से बाहर है, वो लंदन में है और April 19 से लंदन की किसी जेल में है। अब सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियाँ उसकी जब्त करने की घोषणा की है और ये फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत पास किया गया पहला ऑर्डर है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले CBIC ने घोषणा की थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये घोषणा की थी कि अगर आपकी नील की GSTR 3B रिटर्न है तो वो SMS के माध्यम से आप फाइल कर पाएंगे। सरकार ने इस फैसिलिटी को अनेबल करते हुए अब नील GST 3B की सुविधा थ्रू SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के जरिए फाइल करने की सुविधा अनेबल कर दी है। इसके अलावा एक बड़ी, बहुत बड़ी खबर बिजनेस जगत से, ट्रेडर्स रजिस्ट्रेशन एज MSME, ट्रेडर रजिस्ट्रेशन एज MSME पॉसिबल सून, सेड नितिन गडकरी, MSME मिनिस्टर। जी हाँ, अभी तक सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर वाले ही MSME एक्ट में अधोग आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। ट्रेडर की काफ़ी लंबी हमें से ये मांग थी कि ट्रेडर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस सेक्टर दोनों को बहुतायत में सहायता प्रदान करती है, सेवाएं प्रदान करती है। तो ट्रेडर्स का भी MSME के रूप में
स्वीकार्य होना, उनका रजिस्ट्रेशन परमिसेबल करना सरकार को करना चाहिए। सरकार ने उनकी मांग मांगते हुए हमारे एमएसएमई मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने यह आश्वासन दिया है कि जल्दी ही एमएसएमई एक्ट में बदलाव किया जाएगा, जिसके जरिए सभी ट्रेडर्स को उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जिसे हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसके लिए परमिट कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस जगत से एक खबर लेते हैं। एप्पल यूएस की पहली कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप के रूप में वैल्यूएशन 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, एप्पल यूएस की पहली कंपनी बन गई है जिसने मार्केट कैप में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की संख्या को छुआ है। आज पिछले हफ्ते इन्होंने 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक इनकी वैल्यूएशन पहुंच गई, जब इनकी शेयर का रेट 352 पर डॉलर पहुंचा। इसके साथ ही इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर नीचे आ गया है 1.5 ट्रिलियन डॉलर से, और एप्पल कंपनी बन गई है यूएस की पहली जिसने 1.5 ट्रिलियन डॉलर की रकम को वैल्यूएशन के रूप में अचीव कर लिया है। और जानकार ये मान रहे हैं ऐसा इसलिए संभव हुआ कि एप्पल की मैक और ऐप स्टोर पे शेयर बहुत बढ़ गई है, और एप्पल जल्दी ही 5G आईफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसकी बढ़िया सेल के चलते कंपनी में इस तरह की हाईएस्ट वैल्यूएशन आने की संभावनाएं और बढ़ रही हैं। अभी जीएसटी से एक खबर लेते हैं। 12 जून 2020 को जीएसटी की 40वीं काउंसिल मीटिंग वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। इनमें से एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेट फीस माफ़ी को लेके था। जितनी भी रिटर्न हमारी जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक हैं, और जिनमें कोई आउटपुट रिटर्न लाइबिलिटी पेंडिंग नहीं है, जिसे हम नील रिटर्न कहते हैं, वहाँ पर लेट फीस टोटली माफ़ कर दी गई है। बाकी रिटर्न जो जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 के बीच में फॉल करती हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लेट फीस पे कैपिंग 500 रुपये पर एक्ट कर दी गई है। यानी 500 रुपये मैक्सिमम CGST एक्ट में और 500 रुपये मैक्सिमम SGST एक्ट में आपको लेट फीस लग सकती है। फरवरी, मार्च, अप्रैल की जीएसटी की रिटर्न की डेट पहले 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। 6 जुलाई तक लोग अपनी फेस्ट मैनर में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे। 5 करोड़ से छोटे टर्नओवर वाले व्यक्तियों को एक बार पुनः राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि अब वो अपनी रिटर्न बिना किसी लेट फीस के 30 सितंबर 2020 तक फाइल करेंगे, और यह दशा में अगर कोई कर पेंडिंग है, कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पेंडिंग है, तो उसके ऊपर 9% पर एनम की दर से ब्याज देना होगा। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों को, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले SSC को कोई राहत नहीं दी गई है। मई, जून और जुलाई की रिटर्न फाइल करने की समय सीमा भी बिना किसी लेट फीस के 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। यह था जीएसटी काउंसिल मीटिंग में की गई कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन। लास्ट खबर आज के हफ्ते की हम लेते हैं इनकम टैक्स की। 30 मई 2020 को असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ITR 1 से लेकर ITR 7 तक फॉर्म नोटिफाई कर दिए थे, लेकिन यूटिलिटी का इंतजार था। ई फाइलिंग यूटिलिटी फॉर ITR 1, जिसे हम सहज कहते हैं, ITR 4, जिसे हम सुगम कहते हैं, सहज सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए सिंगल पेज फॉर्म है, और ITR 4 सुगम प्रजम्प्टिव इनकम वाले SSC के लिए फॉर्म है। दोनों की यूटिलिटी इनकम टैक्स ई फाइलिंग indiagov.in पे अनेबल्ड हो गई है, लाइव हो गई है। तो जिन लोगों ने अपना ITR 1 या ITR 4 में रिटर्न भरना है, उन्हें और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 हो चुकी है, लेकिन वो 30 नवंबर 2020 तक इंतज़ार ना करें, अपने झंझट से मुक्त हों और अपनी रिटर्न जल्द ही फाइल करें। ITR 1 एंड ITR 4 आर लाइव नाउ। ये थे इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो मैंने आपके हाथ साझा किए। इस तरह के महत्वपूर्ण समाचार लेके मैं आता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ टेक फॉर वेल्थ पे। नमस्कार।